छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ टेपकांड रिटर्न हो गया है। दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव से पहले एक ऑडियो ने सूबे की सियासत गर्मा दी है। इस ऑडियो में दंतेवाड़ा उपचुनाव में JCCJ के प्रत्याशी सुजीत कर्मा और कांग्रेस नेता तरुण देवांगन अरसिल कुरैशी की बातचीत है। JCCJ के प्रत्याशी सुजीत कर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता तरुण देवांगन और अरसिल कुरैशी उन्हें नाम वापस लेने के लिए पैसे, पद और टिकट का लालच दे रहे हैं। सुजीत कर्मा ने ऑडियो क्लिप मीडिया को जारी करते हुए कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। PCC चीफ मोहन मरकाम ने सुजीत कर्मा के आरोपों को नकारते हुए कहा कि सुजीत कर्मा उनके नाम का सहारा लेकर सुर्खियों में आना चाहते हैं। वहीं BJP ने ऑडियो को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। हालांकि अनादि TV इस ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। आप अपने आकर अमित जोगी हो चाहे अजीत जोगी हो उनको आप पूछ लेना तरुण गोवांगन कौन है जी। ठीक है, मैं उनके कार्यकाल में जिला अध्यक्ष जी जी। देखो मैं आपको एक लाइन में बात समझा रहा हूँ, मैं आज भी कांग्रेस पार्टी में हूँ जी और मेरी इज्जत है जी। एक लाइन में मैं आपको बात समझा रहा हूँ, जिस पार्टी का आदमी जिसका अध्यक्ष का संरक्षक 420 हो जी। आप पढ़े लिखे लोग आपको उसमें भविष्य दिखता है जी। आप मेरे साथ आओ, आपको क्या चाहिए वो बताओ ना, कौन सा पद चाहिए, कौन सा क्या चाहिए। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, जरूर कभी रहा हूँ, मन के लालच में कभी रहा भी नहीं सर। मैं तो खुद किसी और यहाँ मंगने के लिए आया था, कोई नहीं जानता था, तो मैं बोला आपको फेमस होना है तो बहुत से तरीके हैं कर्मा जी। मुझ पर धमकियां, दबाव बहुत ज्यादा थे, इतने थे कि मैं खुद बहुत परेशान था और अभी भी मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि आप शांत बैठ जाएं। तो कुछ भी किसी प्रकार से अच्छा असर नहीं है और ये खुद दूसरे पार्टियों के प्रत्याशियां खुद साबित करते हैं, ये बताकर कि हम ऐसे इलाकों में तक पहुंच रहे हैं जहां पर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है। ये तो हमारा तो मांग यही है कि सुरक्षा दिया जाए और दूसरी अगर जिन लोगों ने भी जिसके नाम से रिगार्डिंग है उनको यहाँ आने पर प्रवेश निषेध करना चाहिए हमारे ख्याल से। बाकी कांग्रेस क्या करती है और जनता क्या करती है तो 23 तारीख को मालूम चलेगा। अभी थाने में रिगार्डिंग का जो मामला था हमको कल जानकारी हुई तो हम शायद मालूम चला है, हम अपने कुछ बड़े लोग हैं उनसे बात करके इसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं कानूनी रूप से उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आज दंतेवाड़ा में क्या हुआ था कि छह विधायक हैं, छह विधायक लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरे जो कर्मा परिवार है उसको आगे आना नहीं देना चाहते, क्योंकि सुमित कर्मा जो भी कांग्रेस से प्रत्याशी है तो उनको जिस तरह से PCC जो अध्यक्ष मोहन मरकाम स्वयं सलकर लग रही है, मुझे लगता है सरकार के अति उत्साह में अभी बात आई है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र भी अच्छी नहीं है।